हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल दिवा हैंडक्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्लास्टिक की बोतल से एक फ्लावर पॉट बनाना बताऊंगी, जिसके लिए हमें छोटी प्लास्टिक की बोतल का यूज़ करना होगा। उसके लिए हमें प्लास्टिक की बोतल को कट करके, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है, उसके बाद हम इसमें एक लोहे का या एल्यूमिनियम का वायर फिक्स करेंगे, जिसमें हम कैंची की हेल्प से दो इसके होल करेंगे। उसके बाद हम उस होल में वायर फिट कर देंगे, जो आप वीडियो में देखकर कर सकते हैं। इसके बाद हम वूल पुट्टी डो लेंगे और इसके एरिया को कवर करने के लिए हम छोटी छोटी शीट बनाएंगे वूल पुट्टी डो से, और हम इसको पानी की हेल्प से, जो हमने बोतल कट की थी, उसके ऊपर चिपका देंगे। हम लेयर लेयर करके इसके ऊपर चिपकाएंगे। हम बोल पुटी डो की हेल्प से कटी हुई बोतल के चारों ओर हम कवर कर देंगे, और जहाँ पे हमने वायर फिक्स कर रखा है उस एरिया को भी हम बोल पुटी डो की हेल्प से चिपका देंगे। वायर के ऊपर भी हम बोल पुटी डो अप्लाई करेंगे, जिससे वायर दिखाई ना दे। इसके बाद हम इसको शेप देकर, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, शेप देने के बाद हम इस पर पानी की हेल्प से इसको प्लेन कर देंगे, और हम ये जो टूल्स हैं इनकी हेल्प से साइड में जो एक्स्ट्रा पुट्टी है उसको कट कर देंगे। अब इसको कट करने के बाद पानी की हेल्प से इसको थोड़ा सा प्लेन करेंगे, इससे क्रैक नहीं आएंगे। आप वीडियो में देखकर ये कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी ऐसी ही वीडियो और भी आपको देखने को मिलेंगी, जिससे आप अपने घर में वेस्ट पड़ी प्लास्टिक की बोतल का यूज़ कर सकते हैं, वो भी किसी सुंदर से पॉट बनाने के लिए, जो बिल्कुल ईजी वे से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम टूल्स की हेल्प से जो एक्स्ट्रा पुट्टी है उसको कट करेंगे, और नीचे हम शूज़ की शेप देंगे, जैसे कोई बैठा हो और उसने शूज़ पहन रखे हो, उस टाइप से हमें ये क्रिएट करना है। हम इसको पहले ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद ही हम इस पर और एक्स्ट्रा काम करेंगे। पहले हमें इसको ड्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस पर एक बार में ही अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद हम वूल पुट्टी को इसके किनारों पर चिपका देंगे, जिससे किनारे दिखाई ना दें। इसको हम थोड़ा उभरते हुए चिपकाएंगे। इसके बाद हम इसको ड्राई करने के लिए भी रख देंगे। पहले हम इस पे पानी की हेल्प से थोड़ा चिकना करेंगे। इस पे हम जो एक्स्ट्रा पुट्टी है उसको निकाल दे रहे हैं। इसके बाद हम इस पे, और फ्रेंड्स, हमें ये पॉट अगर बनाना है तो किसी ग्लास या किसी भी ऊंची चीज़ पे हमें इसको रख के बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको नीचे रखेंगे तो ये नहीं बन पाएगा। इसलिए हमें इसको एक चेयर बना के उस टाइप से हमें इसको बनाना पड़ेगा, ताकि हम नीचे का जो पार्ट बना रहे हैं वो बना सके। इसलिए हमें इसको थोड़ा ऊंचा रख के बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने एक ग्लास पे इसको बनाया है। इसके बाद हम इस पे दोनों साइड से शूज़ बना देंगे। इसके टूल्स की हेल्प से हम इसको थोड़ी फिनिशिंग दे देंगे। इसके बाद हम इसमें जो भी हमारा कुछ भी जो डिज़ाइन है वो हम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें डो किया है, जो हम टूल्स की हेल्प से, अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी पिन से भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको पूरी तरह से ड्राई होने के बाद इस पर अपने अकॉर्डिंग आप जो आपको कलर पसंद है वो इस पर हम अप्लाई करेंगे। मैंने यहाँ पे येलो कलर अप्लाई कर दिया था पॉट के ऊपर, जो मैंने लेग बनाई थी उस पर मैंने ब्लू कलर अप्लाई कर दिया था। इसको मैंने इसका ट्राउज़र बनाया है। इसके बाद हम इसके शूज़ में भी ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। इसके पहले मैंने पॉट के ऊपर एक ब्लैक कलर से बाउंड्री बनाई है, जिससे थोड़ा यूनिक लुक लगे। इसके बाद हमने इसके शूज़ को ब्लैक कर दिया। शूज़ को ब्लैक करने के बाद हम इस पर
इसके बाद हम मैंने जो ब्लैक कलर से बाउंड्री बनाई थी इस पर हम वाइट कलर से सर्कल डिज़ाइन बना देंगे, जिसके हम आपके पास जितने साइज़ के मिरर हो आप उतने साइज़ के मिरर से इसको सर्कल को बना सकते हैं। मेरे पास छोटे गोल मिरर हैं जिसके लिए मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन बना रही हूँ। अब इसके अंदर मैं मिरर भी यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ किए हैं। ये मैंने वाइट कलर से किया है। इसके बाद हम इसमें आप अपने अकॉर्डिंग फ्लावर भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने शूज़ पे भी कुछ अलग इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर इसकी आउटलाइन यूज़ की है। आउटलाइन यूज़ करने के बाद हम इसको मैंने यहाँ पे शूज़ में ब्लैक कलर करके वाइट कलर से इसको आउटलाइन दिए। ये थोड़ा अलग से दिखाई देगा। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए वाइट कलर से एक लाइन ड्रॉ की है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें कोई भी अपने मनपसंद का कलर कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी ये दो कोट करने के लिए यहाँ पे वाइट कलर मैंने एक बार और वाइट कलर अप्लाई किया है, क्योंकि हम इस पर दो कोट इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये नीचे ब्लैक कलर पे थोड़ा लाइट दिख रहा था इसलिए। इसके बाद हम इसमें एक इसमें हमने दूसरा कलर अप्लाई कर दिया है। इसमें हमने वाइट और ब्लू कलर को मिक्स करके तब इसकी पैंट पर हमने इसको अप्लाई किया था। ये थोड़ा लाइट कलर करने के लिए हमने ब्लू में वाइट कलर मिक्स किया था। इसके बाद हम इस पर मिरर चिपका देंगे। मिरर चिपकाने के बाद हम इसके चारों ओर एक ग्रीन कलर से बाउंड्री और बनाएंगे। ये डिज़ाइन हमें और अच्छा लगेगा, इसके लिए हम इसमें ग्रीन कलर और यूज़ कर रहे हैं। ग्रीन कलर से हमने यहाँ पर एक आउटलाइन और बना दी है। इसके बाद हम रेड और वाइट कलर से छोटी छोटी डॉट बनाएंगे। हमने यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी। अब यहाँ पे इसी ग्रीन कलर और रेड कलर से हम इस पैंट के ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद हम आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लावर भी बना सकते हैं, कोई भी शेप आप बना सकते हैं, हार्ट शेप भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे डॉट बना दिए हैं वो आपको बताने के लिए। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद हम इसको ड्राई करने के लिए रख देंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को आप लाइक और कमेंट करके का बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, फ्लावर पॉट आपको कैसा लगा। फ्लावर पॉट हमारा बनके तैयार है। थैंक यू।